जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में आज हम टेस्ट नंबर 44 यानी कि 44 नंबर टेस्ट सीरीज का जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, इससे पहले हम बताए थे कि संवैधानिक ढांचा जो आपको दो भाग में जो आपको मिलेगा, एक फर्स्ट भाग जिसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान के निर्माण और संविधान की प्रस्तावना को शामिल किए हुए थे, और आज जो है संवैधानिक ढांचा का दूसरा पार्ट है और इसके अंतर्गत जो है संघ एवं इसके क्षेत्र, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एवं नागरिकता जो है शामिल है। और इन सारे पार्ट वन और पार्ट टू मिला के जो एक जो क्वेश्चन जो आपको जो है फिक्स हो जाता है, तो आपको जो है पार्ट वन और पार्ट टू जो है जरूर देखना है। तो ज्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका उल्लेख जो है भाग नंबर 4 के अनुच्छेद जो है 36 से लेकर जो 51 तक में जो किया गया है। अगर बात करें कि यह जो नीति निर्देशक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे जो है कहाँ से लिया गया है, तो देखिए इसे जो है संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से जो है इसे जो है लिया है। अगर बात करें इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए इसमें जो है मूल अधिकारों के साथ निदेशक तत्व, संविधान की आत्मा एवं उसका जो है दर्शन है, और इसलिए जो है इसे जो संविधान की आत्मा भी जो है कहा जाता है। अगर बात करें कि इसे जो कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए वैसे तो निदेशक तत्व को जो वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन दशा एवं दिशा के आधार पर जो है इसे जो है तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया समाजवादी, सेकेंड हो गया गांधीवादी, और थर्ड हो गया उदार बुद्धिजीवी। अब बात करेंगे कि समाजवादी के अंतर्गत क्या है, तो देखिए इसका लक्ष्य जो है वो है सामाजिक आर्थिक एवं न्याय प्रदान करना, और ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब बात कर लेते गांधीवादी। देखिए गांधीवादी में जो है, इसमें जो है गांधी जी जो थे उसके सपनों को साकार करने के लिए जो है कुछ जो उनके विचार थे उसी तत्वों को जो है इस निदेशक तत्व में जो है शामिल किया गया है। अब बात करें कि उदारवादी बुद्धिजीवी, तो इसमें जो है उदारवादिता की विचारधारा को जो है शामिल किया गया। तो आप समझ गए कि नीति निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे जो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और इसे तीन भाग में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो इतने फैक्ट जो आपको याद रखना। आप देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। देखिए प्रजातंत्र का मतलब क्या है, तो लोकतंत्र, मतलब बोल रहा है भारत के लोकतंत्र जो है इस तथ्य पर जो है आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तभी तो कहा जाता है लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है चलाया गया शासन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बोल रहा है कि किस कंडीशन में जो है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए अगर बात करें नागरिकता की, तो देखिए 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसके अनुसार जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको जो है 5 शर्त पर जो है खरा उतरना होगा। अब 5 शर्त कौन कौन सा है, तो जन्म, जन्म के आधार पर ही आपको नागरिकता मिलेगा, वंशानुगत यानी कि किस रक्त से है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जिसे कहते हैं, और प्राकृतिक एवं जो है उसके जो क्षेत्र है, इस आधार पर जो है आपको जो है भारत में जो है नागरिकता मिलेगा। अगर बात करें कि इसको खोने का क्या क्या है क्राइटेरिया, तो देखिए भारत के नागरिकता को खोने के लिए 3 क्राइटेरिया है, यानी इससे जो है नागरिकता जो है रद्द हो जाएगी। पहला, आप जो स्वयं अगर त्याग कर देते हैं तो रद्द हो जाएगी। दूसरा, बर्खास्तगी के द्वारा, और तीसरा, अगर सरकार अगर बोल दे कि इसे बर्खास्त कर दे तो आपकी जो है नागरिकता जो है क्या हो जाएगी, तो रद्द हो जाएगी। अगर बात करें कि भारतीय नागरिकता जो कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, एकल की, द्वितीय, तो देखिए भारतीय नागरिकता जो है एकल जो है नागरिकता प्रदान करती है। अब एकल का नागरिकता का मतलब क्या हुआ, जैसे हम बिहार में रहते हैं तो हम बिहार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आपको बताना है कि हम भारत के नागरिक हैं, तभी तो कहा गया हम भारत के लोग, प्रस्तावना में ही है। लेकिन अगर पूछते कि दुई नागरिकता क्या होती है, तो देखिए
द्वितीय नागरिकता जो होती है, जैसे आप रहते हैं बिहार में और रहते हैं भारत में, तो उस कंडीशन में आपको दो नागरिकता जो है बनाना पड़ेगा। पहला जो आप कहाँ से हैं, तो बिहार से हैं, तो बिहार के लिए स्पेशल जो है अगर आपके पास नागरिकता होगा तो वो हो गया एक नागरिकता। और दूसरा जो आप किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं, तो अगर जब दो नागरिकता जो होगा उसे जो है द्वितीय नागरिकता कहा जाता है। हालांकि भारत में यह जो है नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता ही है। अमेरिका में जो है द्वितीय जो है नागरिकता जो वहाँ जो है प्रदान की जाती है। अब बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता जो है इस संविधान के किस भाग में जो है वर्णित है, तो देखिए यह जो है संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो है यह जो है वर्णित किया गया है। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपरोक्त है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो सकते हैं कई मित्र जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि हमारे संविधान जब निर्माण हो रहे थे तो उस समय जो है निर्माण जब हुआ था उस समय जो हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार दिए थे। कौन कौन, तो समता का अधिकार, और इसे जो है अनुच्छेद 14 से जो 18 के बीच में रखा गया था। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के अंतर्गत रखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे जो है 23 से लेकर 24 के बीच में रखा गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे 25 से लेकर 28 के बीच में रखा गया। पांचवा जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसे 29 से 30 के बीच में रखा गया। और छठा जो है संपत्ति का अधिकार, इसे जो है 31 में रखा गया था। और सातवां जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे जो 32 में रखा गया। तो यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा है कि आप बताइए कि कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है मतलब बोलने के लिए। तो आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको आंसर देना संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। आप बोलेगा क्यों, तो देखिए यह तो अधिकार जो है वो संविधान निर्माण के समय में तो दिया गया था, 7 मूलभूत अधिकार, उसमें जो है संपत्ति का अधिकार शामिल था। लेकिन क्या हुआ, तो इसे जो 44वें संविधान अधिनियम के द्वारा जो है 1978 में जो इसे मूल अधिकार के सूची से हटा दिया। क्या किया, सूची से हटा दिया, और इसको जो कहाँ रख दिया, तो इसे जो है अनुच्छेद 31 से हटा दिया, और इसे जो है अनुच्छेद 300 के क में जो है कानूनी अधिकार बना दिया कि संपत्ति का जो अधिकार है वह जो कानूनी अधिकार होगा, आपका नहीं होगा, आपका मूल अधिकार नहीं होगा, यह कानून डिसाइड करेगा कि यह संपत्ति का अधिकार जो है किसे जो है देना चाहिए। तो इसलिए जो है आपको यह याद रखना कि अभी वर्तमान में जो है सिर्फ जो है 6 मूल अधिकार है, 7वां मूल को हटा दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यही सब क्वेश्चन बनाया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। देखिए कितना डीप से क्वेश्चन पूछा है। यह छठा नंबर का क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, बोल रहा है कि कौन सा जो अध्याय है वो जो है जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। देखिए अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो देखिए संविधान निर्माताओं ने जिस समय जो है संविधान का निर्माण कर रहा था उस समय जो सिर्फ जो है मूल अधिकार को ही जो है संविधान में रखा था, किसको, तो मूल अधिकार को ही। लेकिन अगर बात करें कि क्यों नहीं रखा था मूल कर्तव्य को, सिर्फ मूल अधिकार को क्यों रखा था, तो देखिए उस समय जो है जो संविधान निर्माता थे उसको जो है यह आवश्यक नहीं लगा था कि इसे जो है इसकी जो है भविष्य में जो आवश्यकता होगी। लेकिन बाद में जो है 1976 में जो है मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जो है जोड़ा गया। तो आपको यह भी याद रखना है शुरुआत में जो है मूल अधिकार को जोड़ा गया था ना कि मूल कर्तव्य को, बाद में जो है 1976 में मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जो जोड़ा गया। अगर बात करें कि मूल कर्तव्य को जो है किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से, तो इसे जो है रूस के जो संविधान से लिया गया है। अगर बात करें इसके लिए जो कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो इसके लिए जो है सरदार स्वर्ण सिंह जो है समिति का गठन किया गया था, और इसी में बताया गया था कि नागरिक के अधिकार के साथ साथ जो है आपको कर्तव्य को भी जो निभाना होगा। अब देखिए सातवां नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संविधान जो है सर्वोच्च है। अब आठवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं जो है महत्व जो है प्रदान करना।
देखिए अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य जो कितने हैं, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो 10 हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो ये है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करे। और दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे, ये जो है कर्तव्य है आपका। और तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो अक्षुण रखे। और चौथा देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। जब अगर बोला जाए अगर राष्ट्र पर जो है कोई संकट होगा तो आप जो है राष्ट्र की जो है सेवा करना है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से ऊपर हो यानी कि परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे। देखिए छठा है हमारी संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। और इसी के अंतर्गत बी नंबर का ऑप्शन जो है आ जाता है कि हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। इसके बाद देखते हैं सातवां मूल कर्तव्य, ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है रक्षा करिए और उनका संवर्धन करिए और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखिए। आठवां था वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करिए। नौवां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए और हिंसा से दूर रहिए। दसवां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करिए जिससे कि राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो इन सभी फैक्ट को जो आपको याद रखना है। नवा नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अब दसवां नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। अगर बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो देखिए यह जो अधिकार है यह जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है शामिल है। अगर बात करें यह अधिकार जो कितने अनुच्छेद में जो है घोषित किया हुआ है, तो यह जो अधिकार है यह जो है 21 नंबर अनुच्छेद के क में जो है इसे जो है घोषित किया गया है। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो देखिए किसी भी राज्य को अगर गठित करना है तो अनुच्छेद 4 में जो है यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का गठन के लिए जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए जो है पारित किया जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा साधारण बहुमत। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1 और 2। और 1 और 2 में क्या है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है ये जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु जो गैर नागरिकों को जो है यह जो है प्राप्त नहीं है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा जो है सूचीबद्ध है, जो नीति निदेशक सिद्धांत है उसमें से बोल रहा है कि कौन जो है सूचीबद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है शामिल है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2000। देखिए अगर बात कर दे कि यह जो है झारखंड राज्य किस अधिनियम के अंतर्गत जो आया था, तो आपको आंसर देना बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है यह जो आया था। और उस समय जो है कितने नंबर के राज्य के रूप में, तो 28वां राज्य के रूप में जो है ये जो अस्तित्व में आया था। और यहाँ से अभी क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा, अगर पूछने की संभावना होती है तो वो ये है जो कि हाल फिलहाल में हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली जो मैटर है, तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछ देगा कि यह जो है किसके अंतर्गत किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया है, तो आपको यह भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो है अलग किया गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1956 में।
और इस समय की अगर बात करें कि इस समय जो 1956 में जो कितने भारत में राज थे, तो देखिए उस समय जो है भारत में 14 राज थे एवं 6 जो है संघ शासित प्रदेश थे। और इसी समय जो है क्या किया था, तो बिहार का जो पूर्वी जो हिस्सा था उस हिस्से के जो है कुछ जो भाग है, कुछ जो क्षेत्र है, उसे जो है पश्चिम बंगाल में जो है मिला दिया था। देखिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, बोल रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है। तो देखिए संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र और सीमाओं का नाम में जो है परिवर्तन का जो है अधिकार दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, मतलब बोल रहा है कि इसमें से जो है कौन सा है जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश जो है यह जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करेगा कि किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या अभी कितनी है, बोल रहा है कि भारत के राज्यों की संख्या अभी कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अभी जो है वर्तमान में जो है 28 है। जम्मू और कश्मीर को जो है राज को अलग होने से पहले जो है इसकी संख्या कितनी थी, तो 29 थी, लेकिन जब जो है जम्मू और कश्मीर को जो है जब जो अलग किया गया तब जो है इसकी संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है वर्तमान समय से रिलेटेड जो है आपको देखना है, क्योंकि ये जो है चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार। अगर राज्यों का विभाजन होता है तो इसकी संख्या में जो है डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, ये भी जो है आपको वर्तमान समय के अनुसार ही देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से कौन संघ जो है राज क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गोवा जो है संघ क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आती है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन। अब कब हुआ था यह 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यह जो 1991 में जो है हुआ था और इसी के अंतर्गत जो है देश की राजधानी दिल्ली को जो है संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में जो है रखा गया, इसे ही जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, जिसे आप सुने होंगे कि एनसीआर ज्यादातर जो है बोला जाता है, टीवी न्यूज पे हमेशा सुनते होंगे एनसीआर। अगर एनसीआर का फुल फॉर्म पूछे तो आपको देना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो देखिए भाषाई आधार पर जो है सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का जो है गठन हुआ था। अब यहीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1953 में जो है यह जो है भाषाई राज्य के रूप में जो आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिक के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो यह जो है किस भाग में हम पाते हैं, भाग जो है 2 के अंतर्गत हम पाते हैं। अगर बोल दे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाग 2 में, तो भाग 2 में जो है 5 से लेकर 11 जो अनुच्छेद होगा उसके अंतर्गत जो है हम नागरिकता से जो है संबंधित जो है प्रावधान जो हम पाते हैं। तो वही क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा वही हो जाएगा 5 से लेकर 11 अनुच्छेद, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब 28 नंबर का क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष जो बिताने होंगे, तो देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो किसी भी व्यक्ति को जो है 7 वर्ष जो है कम से कम जो है भारत में जो है बिताना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो हम बताए थे कि भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करती है, और ये भी बताए थे कि एकल नागरिकता क्या होता है और दोहरी नागरिकता क्या होता है, द्वितीय नागरिकता जो है क्या होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो स्वीकार किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अब 31 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, बोल रहा है कि क्यों जो है अधिकार को जो मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि यह जो है संविधान में उल्लेखित है और यह जो है व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक भी है और संसद जो इसके विरुद्ध जो है कानून जो है नहीं बना सकता है, इसलिए जो है इस अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में जो है निलंबित किए जा सकते हैं। अब बोलेगा कि कब जो है आपातकाल लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो आपको यह भी याद रखना अनुच्छेद 358 एवं 359 में जो है आपको जो है आपातकाल का जो है वर्णन किया गया है और ये क्वेश्चन जो है लगातार जो है पूछता रहता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अनुमूलन किया गया, मतलब बोला छुआछूत जो कि निम्न वर्ग के लोग अगर उच्च वर्ग के जाति के लोग को छू देते थे तो उससे घृणा करते थे, तो वहीं बोला गया कि संविधान के किस प्रावधान के द्वारा जो है अस्पृश्यता का जो अनुमूलन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। और यह भी कहा गया कि अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा और उसे जो है जो ऐसा करेगा उसे जो है दंड मिलेगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अनुच्छेद 1 के ए में। अब देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान काज के लिए समान वेतन का अधिकार, जो यह जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो इसे जो है मान्यता दिया गया है, यह जो है आपका मौलिक अधिकार है। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बोल रहा है कि कौन सा अधिकार है शिक्षा का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में कौन सा, तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 24 करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का जो अधिकार रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। देखिए उच्चतम न्यायालय जो सर्वप्रथम जो है 1951 में जो है शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारत संघवाद और उसके बाद जो 1965 में जो सज्जन सिंह बनाम जो राजस्थान राज्य के वाद में जो है अभी निर्धारित किया कि संसद जो है संविधान द्वारा पद्धत मूलाधिकारों में संशोधन जो है कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं और वह मूल अधिकारों को संशोधन तो कर सकती है किंतु जो है वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो देखिए यह इसका उद्देश्य यह है कि सामाजिक आर्थिक और प्रजातंत्र को स्थापित करना था, इसी उद्देश्य से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है लागू किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और यह जो है पंचायती राज प्रणाली जो है आपको याद रखना है हमेशा क्योंकि इससे जो है मेंस में भी क्वेश्चन जो है आता है। अब देखिए 42वां नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम बताए थे कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे 42 क्वेश्चन सारे के इस वीडियो में जो डिस्कस कर दिए हैं, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर मिलेंगे, गुड नाइट, टेक केयर।